जनजातीय जिला लाहौल स्पीति रोग मुक्त बीज आलू के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, लेकिन बीज आलू की अधिक मांग के बावजूद जिले के किसानों को आलू के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जिले के किसानों का आलू उत्पादन की ओर रुझान घटा है और किसान अब बेमौसमी सब्जियां उगाने में लगे हैं। जिले में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में घाटे के किसान तुरंत सब्जी मंडी खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने उत्पादों का उचित दाम मिल सके। लाहौर का आलू सारे विश्व में बीज के लिए मशहूर है क्योंकि यह बिल्कुल रोग मुक्त है। इस बार आलू का पैदावार ठीक ही है, मगर लोगों को इसका उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। इस बार यहाँ पर आलू की फसल तो बहुत अच्छा रहा है और सभी किसानों का लगभग सब जगह देख रहा हूँ मैं, सब जगह अच्छा प्रोडक्शन है। इस बार देखो बारिश भी बहुत कम हुई है, फिर भी किसानों को काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला है, पर यह है कि इस बार रेट में कुछ उतना अच्छा नहीं मिल रहा है लोगों को। किसान जितना उम्मीद कर रहे थे उससे आधा भी नहीं मिल रहा है लग, और हम चाहते हैं कि सरकार से कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर जो है ये सब्जी का मंडी का जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश किया जाए ताकि किसानों को अच्छे दाम मिल सके आलू के। दूसरी ओर कृषि विभाग का कहना है कि वे जिले में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। जिला कृषि अधिकारी चौधरी राम के अनुसार जिले में इस साल 978 हेक्टेयर क्षेत्र पर आलू की खेती की गई है और 9,750 मीट्रिक टन बीज आलू के उत्पादन का अनुमान है। लाहौल स्पीति में इन दिनों किसान आलू की फसल निकालने में व्यस्त हैं और सड़कों पर चारों ओर आलू की बोरियों के ढेर नजर आ रहे हैं।